दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम के बारे में, जिसका एग्ज़ाम फरवरी मार्च में होना है। अभी बहुत सारा टाइम आप लोगों के पास बचा है, आप अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बताने जा रहा हूँ, जिसको पढ़ करके आप आराम से आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं और वो मेन्स में भी आपके काम आएगा। तो वही वही चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ जो मैंने खुद फॉलो किया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मेरा एडमिट कार्ड भी है मेंस का, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ये मेंस का एडमिट कार्ड है और चार पेपर होता है मेंस में। वो सब मैं डिटेल मेंस के लिए अलग एक वीडियो बना दूंगा, वो वहाँ से आपको क्लियर सब कुछ हो जाएगा। तो मैं जो फॉलो किया था, सिर्फ वही चीज़ें बताने जा रहा हूँ आपको करना क्या क्या है। प्री में आपको पता होगा 140 मार्क्स का होता है, GS रहता है और 60 मार्क्स का हिंदी। यही सेम आपका मेंस में भी रहता है, लेकिन 120 मार्क्स का रहता है। तो आप देख सकते हैं, प्री का पढ़ेंगे आपको मेंस में भी काम आएगा सेम। तो आपको करना क्या है, जैसे भूगोल, इतिहास, सामान्य विज्ञान, पोल्ट्री, अर्थव्यवस्था, कृषि, उत्तर प्रदेश स्पेशल, करंट अफेयर और रीजनिंग, यही टॉपिक है, इसी में से आते हैं। 140 मार्क इसी में से आएगा। तो आपको करना क्या है, क्या क्या पढ़ना है, मैं वही बताने जा रहा हूँ जो मैंने खुद पढ़ा था। आपको भूगोल, इतिहास, सामान्य विज्ञान और पोल्ट्री, इनका सिर्फ और सिर्फ आपको घटना चक्र पढ़ना है। घटना चक्र जो पूर्वावलोकन आता है हर सब्जेक्ट का, इसके लिए आपको चार बुक आएगी। चारों बुक आप आराम से पढ़िए, अभी बहुत सारा टाइम बचा है। वो आपको PCS प्री के लिए भी काम आएगा और RO प्री और मेंस दोनों के लिए काम आएगा। ये पढ़िए और इसी से आराम से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा चीज़ है आपको कृषि आपका यहीं ज्योग्राफी से ही कवर हो जाएगा, इसके लिए कोई अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए आप इमरान सर का वीडियो देख लीजिए, इमरान सर का, GS वर्ल्ड पे हैं। अब डालेंगे UP स्पेशल बाई इमरान सर, तो आपको आराम से वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं UP स्पेशल का। रीजनिंग प्रीवियस ईयर कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए आपको डॉक्टर गौरव गर्ग को फॉलो करना है, Study IQ ऐप पर डॉक्टर गौरव गर्ग। अभी इनको फॉलो कीजिए। एग्जाम टाइम में क्या क्या करना है फिर मैं अलग से बता दूंगा। एग्जाम टाइम में आपको करंट अफेयर की घटना चक्र की एक पॉइंटर आती है, उससे पढ़ना है। और लास्ट टाइम आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे इससे, तो आपको लूसेंट भी लेकर रखना है। वो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए जब 20-25 दिन एग्जाम बच जाता है तब लूसेंट से रिवाइज किया जाता है। अभी उससे लूसेंट नहीं पढ़ना है दोस्तों। तो आपको बता दिए, सिर्फ घटना चक्र पढ़िए चार बुक का, भूगोल, इतिहास, सामान्य विज्ञान, पोल्ट्री। उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए इमरान सर का वीडियो देख लीजिए। करंट अफेयर के लिए डॉक्टर गौरव गर्ग को फॉलो कीजिए। Study IQ, सिर्फ ये तीन चीज़ें कीजिए, आपका एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। आपका PCS प्री भी होगा, UPPSC RO का प्री और मेंस दोनों होगा। मैं PCS मेंस का भी एडमिट कार्ड लगाना भूल गया, नहीं तो अभी आपको दिखा देता। इसी को पढ़ करके मेरा PCS प्री भी हुआ था। और हिंदी के लिए आपको क्या करना है, हिंदी के लिए भी सिर्फ घटना चक्र की बुक लेनी है। घटना चक्र की बुक लेकर के आप इसको रिवाइज कीजिए। इसमें मेरे 59 मार्क्स के आए थे और पूरा 60 क्वेश्चन आपको घटना चक्र से मिल गया था। आप अभी पेपर मिला सकते हैं जो पेपर हुआ है, और आप बुक ले आके मिला सकते हैं, पूरा 60 क्वेश्चन वहीं से आया था। तो यहाँ पर आपको बुक इतना अच्छा है कि आपको उसमें रिवाइज के लिए भी एक्स्ट्रा दिया गया। जो क्वेश्चन आया हुआ है UP MP उत्तराखंड राजस्थान, यहाँ पर जो भी पेपर हुआ है PCS का RO का, सबका क्वेश्चन दिया गया है, प्लस उसमें एक्स्ट्रा भी दिया गया है। एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आने वाला वो भी दिया गया है स्टार्टिंग में रिवाइज करने के लिए। अब वहाँ से कर सकते हैं, सफिशियंट है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी से हो जाएगा, आपका प्री में भी काम आएगा, ये मेंस में भी काम आएगा। इतना फॉलो कीजिए, बाकी मेंस का अलग वीडियो बना देंगे जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, उसके लिए अलग स्ट्रेटजी हम बताते रहेंगे आप लोगों को। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम लिंक भी दिया हूँ वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे मैं टाइम जैसे जैसे मिलता जाएगा, मैं वहाँ पे 50-50 क्वेश्चन का सीरीज भी कराने वाला हूँ। जैसे जैसे टाइम मिलेगा वहाँ पे मैं क्वेश्चन का सीरीज कराऊँगा। अभी तो मेरा भी ट्रेनिंग चल रहा है तो टाइम कम मिल पा रहा है, तो मैं वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा दूँगा। इतना फॉलो करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है वहाँ पर, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, वहाँ पर रिप्लाई हम जरूर करेंगे जब भी टाइम मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहिए, बेस्ट लक, बेस्ट विशेज, आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। फिर मेंस के लिए अगला वीडियो मैं जल्द ही ला दूँगा। थैंक यू।